बच्चों आज हम पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर है हमारा 10th क्लास का क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो 2 होती है, जिसकी पावर 2 होती है। आप पावर कैसे डिफाइन करते हैं? इसकी जनरल टर्म होती है, जनरल टर्म क्या होती है इसकी? जनरल टर्म। इसकी जनरल टर्म होती है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। द हाइएस्ट डिग्री इज पावर एंड देयर फोर दिस पॉलीनोमियल इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ओके, उसके बाद हम इसके अंदर पढ़ते हैं इसकी दो वेरिफिकेशन होती है, वेरीफाई क्या होते हैं? इसकी दो तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, कॉफिशियंट के बीच में और रिलेशन बताते हैं। कॉफिशियंट एंड कॉन्स्टेंट्स दैट इज जीरो के बीच का हम रिलेशन बताते हैं। That is, पहले हमारा आता है जैसे कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। जैसे कि ये बी है, ये भी आप यहां से लिख सकते हैं, हम ए आप यहां से नोट आउट कर सकते हैं। आफ्टर सम ऑफ जीरोस दीज टू जीरोस आर अल्फा एंड अदर वन इज बीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दिस इज योर वेरीफाइड फर्स्ट एंड अनदर वन ऑल्सो कैन बी डन लाइक दिस। जैसे कि इसके अंदर क्या आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? इज इक्वल टू सी अपॉन ए, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बाय दीज थिंग्स यू कैन यूज दीज फॉर्मूलाज फॉर फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients. Okay? ये आपकी चीज जो है, ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 में यूज होगी, जहां पर आपको वेरिफिकेशन करनी होगी दोनों कोएफिशिएंट्स के बीच। अब इससे पहले आपको जो 2.1 है, एक्सरसाइज 2.1 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1, इसके अंदर क्या होता है बेटा? वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स दिया होता है। पी ऑफ एक्स मीन्स पॉलीनोमियल ऑफ एक्स। इसके अंदर आपको ग्राफ दिए होंगे, सपोज इस तरीके से एंड इस तरीके से भी दे सकते हैं, कई बार आपको स्ट्रेट लाइन देंगे। दिस इज योर एक्स एक्सेस, दिस इज योर वाई एक्सेस, दिस इज योर एक्स वाई, एक्स वाई। So you have to find the number of zeros in the given graph. जो आपको graph given है, इस given graph के अंदर आपके zeros कितने हैं? तो इन्होंने क्या पूछा? Y p of x, x means x axis को कब ये line touch कर रही है? जितनी बार वो touch कर रही है, means उसके उतने zeros of polynomial। जैसे कि ये फर्स्ट आपको दिख रहा है, इसको इस पॉइंट पे कट करिए और इस पॉइंट पे, इट मींस इसकी 2 0। ओके, एंड लाइक दिस इसके अंदर किसको कट करिए? 1 2 एंड 3, देयरफॉर इट हैज 3 0 ऑफ पॉलीनोमियल एंड इट डज नॉट कट द एक्स एक्सिस, देयरफॉर इट हैज 0 हैज पॉलीनोमियल। ओके, देखिए मैंने क्या करा है, आपको एक क्वेश्चन नोट किया है, दैट इज फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? फाइंड जीरोस फाइंड आउट करने आपको इस गिवन पॉलीनोमियल के, एंड ऑल्सो यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरो। जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, जो मैंने अभी आपको डिराइव करके बताया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इन टू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ओके, सो हम इसको यूज करेंगे बाद में, पहले हम यहाँ पर देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मीन्स जो आपकी बीच वाली टर्म है, इसको आपको टू पार्ट में स्प्लिट करना है। अब आपको किस तरीके से स्प्लिट करना है वो आप देखिए।
आपको जो ए टर्म होती है फर्स्ट टर्म जो होती है उसको आपको लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है. मीन्स वन इज मल्टीप्लाई बाय ए देन यू विल गेट ए एंड यू विल फैक्टराइज ए मीन्स टू देन टू फोर टू 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 एंड वन. तो व्हाट आर द फैक्टर्स टू टू जा फोर माइनस टू फोर माइनस टू बिकम्स टू फोर माइनस टू बिकम्स टू बट वी हैव टू गेट माइनस टू वी हैव टू गेट माइनस टू देयर फोर दिस बिकम्स माइनस एंड दिस बिकम्स प्लस देयर फोर वी विल गेट माइनस देयर माइनस फोर एंड प्लस टू बिकम्स माइनस टू बिकॉज आफ्टर दैट वी विल कम टू दिस पॉइंट बिकॉज हमें इसको मीटर जब स्प्लिट करना है तो हम क्या करेंगे माइनस टू. देखो यहां पर बड़ा नंबर क्या है माइनस फोर और छोटा नंबर है प्लस टू सो वी विल गेट माइनस टू. ओके सो अब यहां पर आ जाते इसको फैक्टराइज करते तो क्या आ जाएगा माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स एंड लास्ट टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑलवेज बिगम सेम. नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे इन दोनों के अंदर से कॉमन लेंगे. कॉमन क्या है एक्स इसके पास भी है इसके पास भी है तो आप एक्स को कॉमन ले लीजिए एक्स माइनस फोर एंड यहां से कॉमन लेंगे तो प्लस टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो. ओके नेक्स्ट एक्स माइनस फोर एंड एक्स माइनस फोर टू टाइम्स है इसको आप वन टाइम लिखेंगे दैट इज एक्स माइनस फोर एंड अदर इज एक्स प्लस टू विल बी इक्वल टू जीरो. ओके विल बी इक्वल टू जीरो बिकॉज ये भी आपका जीरो के इक्वल है और ये भी आपका जीरो के इक्वल है होल टाइम जीरो इसलिए भी जीरो हो जाएगा. नेक्स्ट एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो दिस टर्म इक्वल टू जीरो एंड दिस टर्म इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो. ये यहां पर आपका नेगेटिव है इस साइड आके पॉजिटिव बन जाएगा डेट मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस फोर एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस टू. दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा एंड दीज आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. ओके आफ्टर फाइंडिंग दीज जीरोज वी हैव टू पुट दीज जीरोज फॉर फाइंडिंग दीज रिलेशन. ओके अभी हमने जीरोज फाइंड आउट करे आफ्टर फाइंडिंग जीरोज वी विल हैव टू वेरीफाई वेरीफाई करना हमें इन दोनों वेरिफिकेशन से क्योंकि हमारे क्या बोला क्वेश्चन है वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरो. अब इनका हम वेरीफाई करेंगे तो अल्फा क्या है आपका दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा. अल्फा है आपका फोर यू विल राइट फोर हियर प्लस बीटा बीटा इज माइनस टू यू विल गेट माइनस टू हियर एंड माइनस बी वैल्यू की क्या है बी की वैल्यू क्या आपकी माइनस टू सो यू विल राइट माइनस टू हियर एंड ए की वैल्यू वन यू विल राइट वन हियर. सो फोर प्लस माइनस इज माइनस फोर माइनस टू इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस अगर मल्टीप्लाई होते तो प्लस बन जाता है तो आप ये क्या आ जाएगा टू एंड टू इज इक्वल टू टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके नेक्स्ट सेम दिस साइड पे करेंगे अल्फा अल्फा मीन्स फोर एंड बीटा मीन्स माइनस टू दीज आर इन मल्टीप्लाई एंड सी इज अ कॉन्स्टेंट इट इज माइनस एट तो माइनस एट अपॉन ए इज वन क्योंकि यहां पर कुछ भी नहीं है स्क्वायर के साथ इसलिए क्या है आपका वन. ओके सो यू विल राइट वन हियर फोर इंटू माइनस टू दैट इज माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैज वेरीफाइड. ओके नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. सेकेंड क्वेश्चन में क्या आपका अगर आपके सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा जो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट किया है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा इंटू बीटा बोथ आर गिवन देन यू हैव टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. तो उसके लिए आपका एक अलग फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज शुड बी इक्वल टू जीरो दैट इज मैंने इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स एस का मतलब है सम ऑफ जीरोज प्लस पी पी का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू जीरो. ओके सो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 2.2 का वो आपका क्या है 2.2 का सेकंड क्वेश्चन का
first part is one upon four minus minus one. Okay, then इसके अंदर क्या आता है? This is sum of zeros, that is s, and this is product of zeros, that is p. And I will write already the formula of it. X square minus sx plus p. Then अब आप क्या करेंगे? X square minus s of x plus p is equal to zero. Then आपको क्या करना है? This becomes as it is x square minus s of x क्या है? One upon four. One upon four means one upon four x plus e का मतलब है माइनस का वन शुड बी इक्वल टू जीरो. अब आप इसको देखिए मैक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर एक्स प्लस माइनस माइनस दैट मीन्स माइनस वन इक्वल टू जीरो. अब आप इसका क्या ले सकते हैं? एलसीएम ले सकते हैं क्योंकि नीचे आपका फोर आ रहा है एंड साथ में एक्स की वैल्यू क्या है. तो आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेने पर क्या होगा? यहां पर देखिए साइड में एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय फोर. फोर मैंने नीचे क्यों लिखा है? क्योंकि आपका यहाँ पर क्या हो रहा है? फोर से एलसीएम ले रहे हैं. नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू जीरो. जीरो को अगर आप फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स जीरो. देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो. दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. ओके देखिए दोस्तों, अभी जिस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया है उसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी होंगे. और आपके हाई क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने उसके लिए उसके अंदर क्या कर रहा है, अपने सारे के सारे टिपिकल क्वेश्चंस को डाला है एक्सरसाइज 2.2 पे. ओके तो प्लीज दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकें. और प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें. और माय चैनल नेम इज योगेश एजुकेशन. ओके थैंक यू दोस्तों. बाय बाय.